तो फाइनल दोस्तों यूनिवर्सिटी आ चुके हैं, देख सकते हैं ये रही हमारी यूनिवर्सिटी। हेलो, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अभी जस्ट हम जो है वो क्रागजेवाक के बस स्टैंड पर उतरे हैं एंड आज के दिन की शुरुआत करते हैं। टाइम की अगर बात की जाए तो अप्रॉक्स 12 बज चुके हैं और अभी जस्ट हम लोगों ने जो वो सिम कार्ड खरीदा है। हेलो, इस पे देखो हमने जो एयरटेल का सिम लिया है, सिमिलर लग रहा है बोलने में। एयरटेल कोड डालने के लिए जरूरत पड़ेगी। अच्छा, मतलब यहाँ इस सिम से जो हम ऑडियो कॉल कर सकते हैं घर से, व्हाट्सएप कॉल, ओनली इंटरनेट। अच्छा, इंटरनेट मिल जाएगा। कितने जीबी मिलेगा इसमें? 5 जीबी मिला। अच्छा, अभी 5 जीबी मिला। यहाँ पे इंटरनेट काफ़ी कॉस्टली है। अभी सारा हमारा लगेज दे रखा है। हाँ हाँ हाँ, तो लोकल सिम जो हमने ख़रीदा है इसका थोड़ा महंगा रहता है यहाँ पर, और देख सकते हैं। तो चलो मैं भी डाल लेता हूँ सिम और मिलते हैं सिम डालने के बाद। तो हिमांशु सर जो है वो अभी टैक्सी का इंतज़ाम कर रहे हैं। फाइनली गाइज अपार्टमेंट में आ चुके हैं और मैंने अभी जस्ट ये सब्जी ख़रीदा है, देख सकते हैं आप। ये सब्जी जो है वो 118 रुपये का मिला है यहाँ के करेंसी में, 118 दिनार का। तो यहाँ पर रखे हैं हमारे सारे बैग्स और अभी नौशामा मैम जो है वो खाना बना रही है। दिखा देता हूँ क्या बन रहा है। ये देखो क्या बन रहा है, आप पहचान कर बताओ क्या है। ये बन जाएगा तो दिखाएंगे। मैगी भी रखी है यहाँ पर हिमांशु सर कुछ अलग तरीके से मैगी बना रहे हैं। मैंने तो कभी खाई नहीं इस टाइप का मैगी। इसमें आलू भी डाला है शायद। हाँ हाँ, बोटे भी डाले हैं। हाँ, तो देखो फर्स्ट टाइम रहेगा, बताएंगे कैसा रहेगा इसका टेस्ट। तो मैगी बन चुकी है, देख सकते हैं। इसमें आलू वगैरह भी डले हुए हैं। तो चलिए मिलता हूँ खाने के बाद। अभी हम जो है वो अपार्टमेंट देखने के लिए आए हैं, साथ में नौशाबा मैम भी हैं, हिमांशु सर भी हैं। और अभी हमें जो है ये सर आसपास का एरिया दिखा रहे हैं और ये यूज़ कर रहे हैं ट्रांसलेशन का। यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा सुन लो आप भी। सर्बियन टू इंग्लिश हम थोड़ा इनसे समझ पा रहे हैं। और थोड़ा सा मैं आपको भी आसपास का एरिया दिखा देता हूँ। इस तरीके का है। हेलो मैम, से समथिंग इन सर्बियन। एक दो वर्ड हम सीख चुके हैं, मतलब हाय हेलो करना, थैंक यू बोलना, और बाकी अभी सीख जाएंगे धीरे धीरे। गाइस अभी हम जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए जा रहे हैं और हिमांशु सर, नौशाबा मैम और समीर भी हमारे साथ है। और थोड़ा देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ पे माहौल है। तो चलते हैं एंड यूनिवर्सिटी भी दिखाएंगे आज आपको। और हमारा जो है वो सर्बिया में आज आई थिंक दूसरा दिन है, सॉरी। तो फाइनल दोस्तों यूनिवर्सिटी आ चुके हैं, देख सकते हैं। ये रही हमारी यूनिवर्सिटी, कुछ इस तरीके की दिखती है। एंड ये जो लिख रहा है इनका सर्बियन में यूनिवर्सिटी का नाम है क्रागजेवाक ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटी। साइड से थोड़ा सा इस तरह की कुछ दिखती है। तो अभी यहाँ पे हमने जो है वो अपना यूरो का दिनार में चेंज कराया है। तो ये रहा हमारा 100 यूरो। तो ये मिला है हम कितना मिला है 11,000। ये रहा हमारा स्लिप 11,000, हमको 700 रुपये मिला है 100 यूरो का। 100 यूरो समीर ने चेंज कराया, 100 यूरो मैंने कराया है। And finally, I'm in Kragujevac, and this is Serbia basically. And today we are in center. You can watch. फाइनली दोस्तों अपार्टमेंट हमें मिल चुका है एंड अभी सारा सामान लेकर जो है हम न्यू अपार्टमेंट में जा रहे हैं। अपार्टमेंट किस तरीके का रहेगा वो भी आपको ब्लॉग में दिखाएंगे। देख सकती हैं ये ड्राइवर और ये दो टैक्सी हैं, इसमें समीर बैठा है एंड इसमें मैम और हम बैठे हैं। माहौल है, आज जो है वो बारिश पड़ी थी तो ऐसा मौसम हो रहा है, धूप नहीं निकली आज। तो एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो नंबर बढ़ रहा है ना, ये इसका टैक्सी का रेंट है। देखो कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, 198 एंड 199। तो वही टैक्सी मेरे हिसाब से तो काफ़ी महंगा है यहाँ पर। तो फाइनली सारा सामान उतार लिया है हमने, देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वाला अपार्टमेंट जो है वो हमने ले लिया है। इसके साइड में जो ये इसमें जिम है, आगे को थोड़ा इस तरीके का बना हुआ है। अभी थोड़ा सा इसके अंदर काम चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे फर्नीचर पड़ा है। एंड इधर का व्यू थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है मुझे, ये देखिए काफ़ी बढ़िया है। एंड मैं आपको अपार्टमेंट थोड़ा सा अंदर से भी दिखा देता हूँ, तो चलते हैं। सो यहाँ पर हमने शूज़ वगैरह अपना सारा उतार दिया है। एक अलमीरा बाहर रखी है, इसको अभी अंदर रखेंगे। एंड बाहर पर ये दो चेयर बैठने का है, तो अंदर चलते हैं, अंदर से दिखा देता हूँ। सामने की तरफ ये दे रखिए मिरर है एंड इस साइड में आ जाएगा हमारा डाइनिंग टेबल, किचन, टीवी भी दे रखी है यहाँ पे। एंड ये हैं ओनर इस अपार्टमेंट के। एंड दिखा देता हूँ सारा जो बर्तन वगैरह है सब इसी में। ये देखो छीलने का, प्लेट्स हैं, कप्स हैं, ग्लास हैं, कप्स हैं, प्लेट्स भी हैं काफ़ी सारी। गुड गुड, ओके ओके। एंड इसमें भी दे रखा है, ओह गुड, वाओ, ओके, ओह दैट्स नाइस, ओके ओके, एंड ओके ओके ओके, गॉट इट, थैंक यू। एंड यहाँ पे दे रखा है फ्रिज, फ्रिज हाँ, ये इंडक्शन है, फ्रिज फ्रिज, और दो फ्रिज दे रखे हैं, एक ये है, ओके, ओह वाओ, गुड गुड। तो आगे दिखाते हैं, अभी रूम्स दिखा देते हैं। इसमें दो बेडरूम है, इधर वॉशरूम आ जाएगा एंड इधर बेडरूम है। एंड यहाँ पर दो बेड इसमें रहेंगे, समीर भाई और मैं। ये समीर भाई का हो गया, ये मेरा हो गया। अच्छा समीर भाई आपका ये होगा, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, मेरा ये हो गया। एंड व्यू देख लो भाई एक बार यहाँ से, अब व्यू बहुत खतरनाक आ रहा है भाई। थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके का दे रखा है एंड साइड में है ये बिग फैशन, कभी नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगा। एंड एक अलमीरा दे रखी है यहाँ पे, प्रेस भी है, कपड़े टांगने का भी है। एंड एक अलमीरा इस साइड में है और सारा भाई एकदम बढ़िया है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, मतलब किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। एक स्टूल भी दे रखा है यहाँ पर। एंड ये चीज़ आपको दिख रही होगी, मैं बता देता हूँ, ये जो है ये हीटर है, इसकी पाइपलाइन लगी हुई है यहाँ पर। एक लाइट है, लाइट ऑन करो समीर भाई, लाइट भी लगी हुई है। अभी हमारे सारे बैग्स ऐसे रखे हैं। एंड बाकी वॉशरूम में दिखा चुका हूँ, अंदर से और दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देखो भाई इस तरीके का है, ये नहाने का हो गया, यहाँ से बंद भी हो जाएगा, ओह उधर से भी हो जाएगा साइड से, हाँ बढ़िया है, ठीक है। और वॉशिंग मशीन, सिंक, एंड इस साइड है मैम का और बेडरूम। तो इसमें अभी एक बेड में भी बाहर निकालेंगे एंड अभी सारा सामान ऐसे ही पड़ा है, तो इसको जो है अभी ऊपर से ये रिमूव करा देंगे, नीचे का रहने देंगे। एंड देख सकते हैं रूम कुछ इस तरीके का है। सो दोस्तों यार ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है एंड इससे आगे का ब्लॉग आपको जो है वो नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। एंड नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको अपना यूनिवर्सिटी टूर एंड जो भी रहेगा यहाँ का थोड़ा आसपास का एरिया वो भी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड इसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।